جناب أمس ومن ثم روز ما سكين جناب يقول السلام عليكم سار अदा करना चाहते हैं कि आप सब लोग आज आए, हमने सबों ने ये फैसला किया है हम इसमें काउंटिंग में जो काउंटिंग होगी 22 तारीख को हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लिहाजा हम अभी भी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि वो बदड़ू और पारीगाम की रिपोलिंग करें और हमें अपना हक दिलाए, हमें यकीन दिलाए कि बिल्कुल ये जो इलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है। तो लिहाजा एक बार फिर गुजारिश करता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आके हमें 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 पूरा ये यकीन दिलाए, आज ही यकीन दिलाए कि हम इसकी रिपोलिंग करेंगे। प्रोटेस्ट पर हैं और हमने 16 तारीख को हमारी वोटिंग हुई और 16 तारीख को 12:50 पर मैंने पीसीआर को फोन किया है अपने नंबर से, अगर वो चेक भी करें 9797764206042 तो इस नंबर से मैंने वहां फोन भी किया और उनको कहा भी कि यहां बूथ कैप्चरिंग हो रही है और यहां नाजायज तौर वोट डाले जा रहे हैं। मुझे डेमोक्रेसी पर यकीन है और मैं डेमोक्रेसी के लिए मैदान में आया हूं, जहां डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। हमने बार बार डीसी साहब को अप्लाई किया है, एसीडी साहब को अप्लाई किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारी फरियाद नहीं सुन रहे। इसलिए हम कल भी बायकॉट पर रहेंगे, हम वोटिंग मतलब काउंटिंग में भी नहीं आएंगे और आपके माध्यम से थ्रू आउट इंडिया ये बायकॉट चलाना चाहते हैं कि अगर यहां डेमोक्रेसी का जनाजा निकला है, अगर ये ड्रामा है तो फिर हमारे नॉमिनेशन पेपर्स क्यों आपने एक्सेप्ट किए? अगर आपको पहले ही इसको चुनना था तो क्या मजबूरी थी आपको हमें यहां लाने? इसलिए मैं बदूरा में बिल्कुल रिपोलिंग चाहता हूं और आपकी माध्यम से ये गवर्नर साहब से जो भी हैं हमारे जो भी बड़े हुक्मरान हैं जो भी ये हमारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये फरियाद पहुंचाना चाहता हूं कि ये मतलब रिपोल हो जाए और तभी हम दाम लेंगे, तब तक कोई हमारा मकसद नहीं है डेमोक्रेसी में आने का। मालूम है 16 तारीख को हमारे फसल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वोटिंग हुई है, तब से ही हम चला रहे हैं कि हमारे वो दो हल्के हैं, एक हल्का है बुदरू दूसरा है पारीगाम, हम इसमें रिपोलिंग चाहते हैं। रिपोलिंग क्यों चाहते हैं उसके कुछ वजूहात है। वजूहात ये है कि बहुत कम वोट पाल हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक हल्का ऐसा है जहां 80% वोट पाल हुआ है। हमें क्या है पूरा सबको कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लग रहा है ये पूरे बोगस वोटिंग हुई है। वहां कैंडिडेट वहां ही बैठा था और उसके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उन्होंने वहां कब्जा किया और जो वहां पोलिंग स्टाफ है वो भी डर गया था। अब पोलिंग स्टाफ तो इस वक्त नहीं कह सकता है क्योंकि वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर सारा आएगा, जैसे आपने अभी देखा है एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आपने यहां देखा भी होगा, अभी हमारे कुछ कैंडिडेट्स भी आपके साथ थे, उसको यहां से हटा दिया गया कि आपने नहीं लिख के दिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। अब हम यही चाहते हैं ना कि रिपोलिंग होनी चाहिए। अगर हम रिपोलिंग के लिए सारे कैंडिडेट्स हम यहां कुछ ही आए हैं, 9 कैंडिडेट है टोटल, 9 में से 8 हम रिपोलिंग चाहते हैं, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिख के दिया है हम रिपोलिंग चाहते हैं, 8 के 8 ये लोग हम बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि रिपोलिंग चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मस्त से नहीं हो रही है। पता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन क्यों उसका साथ दे रहे हैं। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमें इतने भी ये इन्फॉर्मेशन है कि उसके चाहते ये जो उसके रिलेटिव्स है उनको वहां प्रेजिडिंग अफसर रखा गया है, उनको वहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है उसके साथ।